दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर से लेकर फेस स्कैनर तक और फेस स्कैनिंग से लेके आई स्कैनिंग तक सभी तरीके की बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी आसान हो चुकी है वहीं पर कई बार काफी कंफ्यूजिंग भी जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई स्कैनिंग की जो टेक्निक होती है उसमें बेसिकली हमारे आपको करना होता है स्कैन और हमारा फोन रहता है अनलॉक। अब जो इसको करने के होते हैं दोस्तों आई स्कैनिंग को परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रेटिना स्कैन और दूसरा होता है आयरिस स्कैनिंग। दोस्तों ये दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन सा बन रखा है कि आयरिस स्कैनिंग रेटिना स्कैनिंग भाई एक ही चीज है, एक ही तरीके से काम करती है, बस अलग अलग नाम दे रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आयरिस हमारी आंख का वो पार्ट होता है जो हमारी आंखों के कलर को डिटरमाइन करता है, हमारी आंखें होंगी नीली होंगी काली होंगी पीली, ये बात डिपेंड करती है हमारे आयरिस के ऊपर, हमारे पीपल के डायमीटर, और इस बात को कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, ये सारी चीजें हमारे आयरिस कंट्रोल करता है। आयरिस स्कैन के बारे में तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हमें अपनी आंखों को करना होता है स्कैन और हमारा फोन जो है अनलॉक चुटकियों में किसी चमत्कार की तरह। अब जिस चीज का मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे लोगों के बीच ये है आयरिस स्कैनिंग और रेटिना स्कैनिंग। मैं आपको बता दूं पहले तो आयरिस स्कैनिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आयरिस स्कैनिंग और दूसरा होता है रेटिना स्कैन। अब दोस्तों आजकल के जो आयरिस स्कैनिंग होती है, जो आजकल आयरिस स्कैनिंग काम मिल जाती है, उसको काम करने के दोस्तों दो मेन कंपोनेंट चाहिए होते हैं बेसिकली, एक तो होता है एक हाई रेस कैमरा और दूसरी होती है नियर इंफ्रारेड लाइटिंग जिससे हमारी आयरिस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की जाती है। दोस्तों अगर आपको हल्का सा डिटेल में जाके बताऊं कि ये चीजें कैसे काम करती है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो नियर इंफ्रारेड लाइटिंग होती है यानी इंफ्रारेड लाइट हमारी आयरिस के स्ट्रक्चर पर डाली जाती है, फिर हमारे आयरिस के स्ट्रक्चर को एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा कर लेते हैं कैप्चर, यहाँ पे कैप्चर इमेजेस होती है उनको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है मोबाइल के एक डेटा बेस में, यानी हमारे आयरिस का एक स्ट्रक्चर बन के जो खींच जाती है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी 0101 की फॉर्म में और उसे एक डेटा बेस में स्टोर कर लिया जाता है। अगली बात उस डेटा बेस से कम्पेयर किया जाता है स्कैन हो रही आई को, अगर आई मैच कर जाती है तो फोन हो जाता है अनलॉक, बेसिकली अगर आयरिस मैच हो जाती है। दोस्तों ये हो गई आयरिस स्कैनर की बात। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आयरिस स्कैनर जो होते हैं उनमें नियर इंफ्रारेड लाइटिंग का इस्तेमाल होता है, नियर इंफ्रारेड लाइटिंग मतलब काफी हद तक काफी सिक्योर होती है और अभी तक लाइटिंग रिसर्च भी यही कह रही है और इसके कोई भी अभी तक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि इसमें काफी सिक्योर इंफ्रारेड लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जहाँ रेटिना स्कैन होता है उसमें जो इंफ्रारेड लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो इतनी सिक्योर नहीं होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों रेटिना स्कैन के बारे में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेटिना के बारे में। दोस्तों रेटिना जो होता है वो हमारी आंखों के अंदर का पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का वो पार्ट होता है जो जो जब हमारी आंखों में लाइट आती है वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। बेसिकली ये जो कैमरा होता है, कैमरा की जो फिल्म होती है उसी की तरह काम करता है, आंखों के अंदर लाइट आती है रेटिना से रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर हम देख पा रहे हैं चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक माइक्रोस्कोपिक पीस जिसके पास हमें अपनी आंखें लगानी पड़ती है और वहां पे जो इंफ्रारेड लाइटिंग होती है वो हमारे रेटिना के स्ट्रक्चर पर डालती है लाइट्स और फिर कर लिया जाता है बिल्कुल सेम तरीके से इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट। अब ये रेटिना होती है दोस्तों उसमें काफी छोटी 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 और बहुत सारी ब्लड वेसल, बहुत सारी नसें होती हैं। दोस्तों ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आयरिस का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना दोस्तों, यानी कि जिनका डीएनए सेम होता है वो ट्विंस, उनकी दोस्तों रेटिना भी सेम नहीं होती, इसलिए भी दोस्तों ये काफी सिक्योर तरीका होता है। तो अब यहाँ पे तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, जब हम माइक्रोस्कोपिक पीस के पास आंखें जाते हैं वहां से इंफ्रारेड लाइटिंग हमारी ब्लड वेसल पे रेटिना के स्ट्रक्चर पर डाली जाती है इंफ्रारेड लाइटिंग, फिर वहां से लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी ब्लड वेसल रेटिना की, फिर वहां से देखा जाता है कि कहां से किस तरीके से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर उस तरीके से एक डिजिटल फॉर्म तैयार कर ली जाती है हमारी रेटिना की, बिल्कुल जैसे आयरिस स्कैनिंग के मामले में होता है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ इस तरह समझिए जिस तरीके से बारकोड स्कैनर्स काम करते हैं, आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि वहाँ पे बारकोड स्कैनर्स होते हैं, वहाँ पे उनमें से एक लाल तरह की लाइट निकल रही होती है वो बारकोड को स्कैन करती है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, लाइट बारकोड पे जाती है फिर उस बात का आउटपुट डिपेंड करता है कि कहाँ से किस तरीके से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, बिल्कुल रेटिना स्कैनर में भी ऐसी होता है कहाँ से कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, कहाँ से किस तरीके से कितनी देर में कितनी इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट हुई, उस तरीके से हमारा एक डिजिटल बोर्ड डिजिटल टेम्पलेट तैयार कर लिया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म तैयार कर लिया जाता है हमारी रेटिना की और स्टोर कर लिया जाता है उस मोबाइल के अंदर ही एक डेटा बेस में। दोस्तों ये तो बात हुई रेटिना स्कैनर्स की, मैं आपको बता दूँ कि रेटिना स्कैनर्स होते हैं दोस्तों वो आयरिस स्कैनर से अलग, इनमें भी अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ वहाँ पे कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे कोई कैमरा की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो इंफ्रारेड लाइटिंग इस्तेमाल होती है रेटिना स्कैनर में दोस्तों वो सेफ इतनी नहीं होती जितनी आयरिस स्कैनिंग होती है, कई रिसर्च में ये भी कहती है कि आंखों के लिए भी काफी बार नुकसानदायक हो सकती है।
जो आज का स्कैनिंग बहुत ही आसान होती है, इसके लिए ज्यादा बल्कि हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मोबाइल मैन्युफैक्चर इसे आसानी से फोन में लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेटिना जो स्कैनर होता है उसके लिए काफी बल्कि हार्डवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है मैन्युफैक्चर के लिए मोबाइल में लगा नहीं देंगे, इस वजह से भी रेटिना स्कैनर मोबाइल में देखने को नहीं मिलते। और एक और बात जाती है मोबाइल में रेटिना स्कैनर नहीं देखने को मिलते हैं मोबाइल में, दोस्तों जो आजकल मैन्युफैक्चर होते हैं वो हमें आईआर स्कैनर्स ही लगा के देते हैं, हमें आईआर स्कैनर्स ही देखने को मिलते हैं, रेटिना स्कैनर देखने को नहीं मिलते। तो देखिए एक और वजह ये भी होती है क्योंकि आईआर स्कैनिंग का जो मैकेनिज्म हार्डवेयर होता है वो काफी चीप होता है एज कम्पेयर टू रेटिना स्कैनर। रेटिना स्कैनर का हार्डवेयर एक तो काफी बल्कि होता है, ऊपर से काफी महंगा भी हो जाता है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर के लिए एक तरीके से मार्केट कह सकते हैं थोड़ा सरदर्द सा पैदा कर देता है रेटिना स्कैनर मोबाइल में लगाना। एक तो सबसे पहले उसे लगाने की प्रॉब्लम होती है, दूसरी तरफ वो काफी कॉस्ट भी इंक्रीज कर देता है मोबाइल फोन की। वहीं अगर अब हम बात करें कि आईआर स्कैनर ज्यादा सिक्योर है या रेटिना स्कैनर, तो दोस्तों दोनों ही काफी सिक्योर है, दोनों ही काफी अच्छे और बेहतरीन तरीके हैं बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेशन के। और अगर मैं आपसे बात करूँ चाहे फिर वो आईआर स्कैनर हो या रेटिना स्कैनर, दोनों ही दोस्तों काफी सिक्योर होते हैं, काफी रिलायबल होते हैं और काफी एक्यूरेट और फास्ट भी होते हैं। इस वजह से कभी कभी आईआर स्कैनिंग को, फिर चाहे वो आईआर स्कैनिंग हो या रेटिना स्कैनिंग, वो सबसे ज्यादा सिक्योर बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक भी कहा जाता है।